जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। झारखंड प्रजापति कुमार महासंघ या वह संगठन है जो माटी से उत्पन्न होता है और माटी में समा जाता है। हमारे आए हुए हैं छोटिया साथियों, हम तो कुम्हार हैं और हमारे हाथ से ही देवी देवता का निर्माण भी होता है और पूजा भी करते हैं। इसलिए हम कहीं भी जात छुपाने का कोशिश ना करें, हम गौरव से और ऊंची आवाज से कहें कि हम आप ही चाहे कोई सोना का घड़ा क्यों ना बना ले, लेकिन कुम्हार कम्युनिटी का अपना समाज का या जात का नाम को कहीं बोलने में कहने का तात्पर्य वह है कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि वह सभी मंच में वह माटी का या घंटी है और एक कप है और उसके साथ एक से एक वैरायटी है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि माटी का वह वस्तु जिसको आप जीवन में प्रतिदिन अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि जो प्लास्टिक से प्रदूषण होता है उससे आपको सहयोग होगा। अगर यह चीज़ अगर चाइना से आए तो आप उसको तुरंत घर से लेके आते हैं क्योंकि वह चाइना प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे देश में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से कुम्हार जात इसमें लगे रहते हैं और एक से एक कलाकृति बनाते हैं। लेकिन आज कुम्हार अपने रोजी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका वस्तु आज लेने में ऊंचे लोग लेने में शर्म करते हैं क्योंकि हम वहाँ वस्तु नहीं लेंगे, हम शोरूम से जाकर लेंगे। लेकिन वह कला का वह हर चीज़ यहाँ पर मिलता है, आप इसका यूज कीजिए। आज वह बहुत बड़ा महासभा करने जा रहे हैं जमशेदपुर में और उसमें कौन कौन आए हैं हम इनसे डिटेल पूछते हैं। जिला अध्यक्ष जी से बताइए सर। मैं इंद्रदेव प्रसाद, जिला अध्यक्ष झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के विधायक श्री डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति जी चीफ गेस्ट में आमंत्रित हैं। हमारे प्रदेश संरक्षक व बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो भाटुल पधारे हुए हैं। माटी कला बोर्ड झारखंड सरकार के पूर्व चेयरमैन श्री श्रीचंद प्रजापति पधारे हुए हैं ये। और दिल्ली से राष्ट्रीय प्रवक्ता कुम्हार महासंघ का इंद्रजीत वर्मा और झारखंड प्रदेश के करीब करीब 20 जिले से हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच में आए हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का बात है कि हमारे बीच इतने प्रतिनिधि के रूप में हमारे मेहमान आए हुए हैं और हमें उनको सेवा करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद सर। सर बहुत अच्छा आप लोग काम करते हैं, अगर दिवाली में दिया नहीं जलेगा मिट्टी का तो शुद्ध नहीं होता है। सर क्या कारण है कि कला आज वो जगह में नहीं पहुंचा, आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है सर? आज बात तो जैसा आप लोग देख रहे हैं जो अभी आधुनिकता का जो दौर चल रहा है, लोग फैशन को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और जो सभ्यता संस्कृति जो देख रहे हैं ये लोग धीरे धीरे से दूर जा रहे हैं। ये हम लोग का जो हम लोग का समाज है हमेशा सभ्यता संस्कृति को लेकर ही आगे बढ़ रही है और आज भी हम लोग इस दौर में भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इस चीज़ को कर रहे हैं कि जो हमारा जो पारंपरिक जो हमारा जो परंपरा जो है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, मिट्टी जो है ये एक लोग जन्म से लेकर के मरण तक का समय तक ही मतलब मिट्टी से लोग जुड़ा रहा था। लेकिन आज जो दौर चल रहा है लोग रेडीमेड की तरफ चीज़ भाग रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं कि हमको तुरंत रेडीमेड चीज़ मिल जाए, बना बनाया चीज़ मिल जाए, बस हम वहीं पर ख़त्म करें उसके बाद हम उसको ख़त्म कर दें। सर इसके लिए आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं कि ये कला ये सब जो बच्चे हैं उसको सीखे समझे और इसको आधुनिक रूप दे सके और इसको भी व्यापार अपना बिजनेस में आगे बढ़ा सके? हम चाहेंगे कि सरकार हमारी कला को संरक्षित करे और इस कला को विलुप्त होने से बचाए। अगर ये सरकार हमें संरक्षित नहीं करती है तो हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जो हैं वो एक कला से महरूम हो जाएंगे और जो वर्तमान में अभी जो मिल रहा है हमारे पास में जो भी मिट्टी से संबंधित सामान वो नहीं मिलेगा और लोगों को मतलब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न होगा।
तो मैं चाहूँगा कि सरकार संरक्षित करे हमारी कला को, अन्यथा हमारे ये कला विलुप्त हो जाएगी समाज से, और ये बच्चे हमारे आज के नहीं सीख रहे हैं, इसके कारण यही है कि ये सरकार द्वारा संरक्षित नहीं किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि हमारी कला को संरक्षण देने के लिए कुछ उनको आर्थिक रूप से मदद किया जाए, जिस तरह से कि सरकार कृषि विभाग मैंने क्या बोलते किसानों को आर्थिक सहयोग दे रही है सालाना 6,000 रुपया, इस तरह से जो अगर कुम्हारी पेशा से जुड़े हुए हैं उनको सरकार द्वारा 12,000 या 24,000 सालाना मिलना चाहिए आर्थिक रूप से, और कुम्हारों का जो भी मांग है उसको पूर्ण रूप से लागू देना चाहिए सरकार को, तभी हमारा ये कला संरक्षित रहेगा और हमारा कला को लोग भविष्य में यूज कर सकेंगे। सर हम लोग देखते हैं जब से हम लोग बचपन गए साक्षी जैसे जाते हैं तो कुम्हार पाड़ा वहाँ दिखता है, कितना पुरुष तो वहाँ से अभी तक अपना धंधा कर सके ये तो अभी तक जो देख रहे हैं हमारा ये अभी हमारा करीब 50 साल उम्र हो रहा, तो हम बाय मतलब बर्थ ही देख रहे हैं कि हमारा लगभग लगता है कि ये 5वां या 6ठा पुष्ट हम देख रहे हैं, ये हमारे जानकारी में। सर यंग है, आप कुछ ऐसा बात बोलिए कि जो इससे जुड़े डायनेमिक है। सर देखिए, अगर हम अपनी संस्कृति की ओर वापस आएंगे तो हर हाल में हम अपने कला को भी पहचानेंगे और उससे प्यार भी करेंगे। जब तक हमारा मोहब्बत वेस्टर्न कल्चर से रहेगा, हम लोग जब यूज़ करते हैं एल्युमिनियम का सामान जब यूज़ करते हैं तो उससे फ़ायदा और नुकसान क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा सोच करके देखिए, आज के डेट में जितना हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं उतना बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। याद करिए जिस वक्त में हम अपने परंपरा पर थे, हम अपने परंपरागत सामान को यूज़ करते थे, उस वक्त में हम स्वस्थ हुआ करते थे। तो आज अपनी कला को समझने का ज़रूरत है। अभी क्या लगता है कि बहुत सारा आर्टिफिशियल सामान बना के वो हमको अट्रैक्ट करेंगे, हमारे मिट्टी के सामान में जो गुण है और जो आपको दिखता है इससे अगर मोहब्बत होगा हमारा संस्कृति उसकी ओर हम लौटेंगे। हर हाल में हमारे कला को कोई रोक नहीं सकता है, बस सारे लोग जो हैं मॉडर्न जो बनते हैं उनको मॉडर्न बनिए लेकिन अपने संस्कृति के साथ। अगर आप ये करने में कामयाब रहेंगे तो हमारा हर कला जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो मेरा सभी युवा लोगों से यही कहना है कि अपने कला को समझिए, अपने संस्कृति को समझिए, मॉडर्न तो जरूर बनेंगे लेकिन अपने संस्कृति के साथ उसको प्यार करिए, हम हर तरीके से अपने जितने टैलेंट है उसको संरक्षित रख पाएंगे। देखिए मॉडर्न जरूर बनिए संस्कृति के साथ। मेरे पीछे मेरे हाथ में वह मूर्ति देखिए कितना सुंदर है, लेकिन आप अभी डिजिटल युग में अमेजोन में आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यह मूर्ति कम से कम 300-400 रुपये मिलेंगे। मूर्ति का कितना दाम है सर? लगभग 400 रुपया होगा। आप लोग कितना बेचते हैं? हम लोग मार्केट में इसे 400 बिकता है, लेकिन हम लोग को जो 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 इसका जो लागत जो मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है, हम लोग को 100 से 150 रुपये मिलता होगा। देखिए कितना बड़ी बात, सुंदरता देखिए कि आपको कोई भी मूर्ति जैसे साक्षात कृष्ण भगवान आपके घर में आ गए हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं जिसका संवारने वाले हैं उनको इनका लागत का सिर्फ 20% मिलता है। सरकार से कॉरपोरेट से भी अनुरोध है कि इनको उद्योग का दर्जा दीजिए, इन्हें भी लोन दीजिए। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।